डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंटर का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था, उसमें था पी ब्लॉक एलिमेंट, और सॉरी चैप्टर नंबर 3 था एस ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर जो 4 था वो था पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आ रहा था, और पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में आ रहा था, फिल हो रहा था यानी कि। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किसको फिल करेगा, डी ऑर्बिटल को फिल करेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे आज, और वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। इसके अलावा एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी ब्लॉक आर ऑर्बिटल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक में आएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखें एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। आप ये भी लिख सकते हैं या और ये भी लिख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है डी ब्लॉक की, एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फ्री एटम आर आयन वन आर मोर ऑफ देयर आयन, अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें हो, यानी कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब वन आर मोर आयन, या तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो या इससे ज़्यादा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में आ रहा है यानी कि वो पार्शियली फिल है, तो वो क्या बोलेंगे उसको, डी ब्लॉक। अब ये जो पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपके लिए ये न्यू है। पार्शियली फिल्ड का मतलब, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कौन से होते हैं, टोटल डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये आपको मालूम है। तो D1 से लेके D9 तक, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ये टोटल जो ऑर्बिटल है वो क्या होंगे, पार्शली फिल्ड हो गए, और जो D10 है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब देखें D1 से लेके D9 तक जो भी है इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ये ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जो डी ब्लॉक वाले होते हैं। अब डी ब्लॉक की D1 से लेके D9 तक जो भी है इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होती है, ट्रांजिशन होती रहती है, चेंज होती रहती है। D1 से लेके D9 तक जो एलिमेंट होते हैं इनको हम मेन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जो F ब्लॉक के एलिमेंट है, F1 से लेके F13 तक, अब जो F14 होगा ये टोटल पार्शियली फिल होंगे, D1 से लेके D9 तक इसका जो D10 होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा वो, इसके अलावा F14 जो होगा वो इसका क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। F1 से लेके F13 तक वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक की टोटल जो है वो 4 सीरीज है, देयर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये जो है स्टेरिडियम से लेके जिंक तक, जो है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, और ये कौन से पीरियड में आती है, फोर्थ पीरियड में। टोटल जो एलिमेंट है इसमें 10 हो गए। फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है, ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये लिखा हुआ ना D1 से लेके D9 तक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो टोटल 4 जो ट्रांजिशन सीरीज है इसमें, एक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये स्टेरिडियम 29 से लेके 30 तक होते हैं। फोर्थ पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का होता है वो पूरा इसमें फिल होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये आप फोर्थ पीरियड में भी आ सकती है।
21 से लेके 30 तक, और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वो है ईटरबियम से लेके कैडमियम तक 39 to 48। ये जो है वो पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ पीरियड में आती है। इसके अलावा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है लैंथेनियम 57 से लेके मर्करी 80 तक, इसको सिक्स पीरियड को ये फिल करती है पीरियोडिक टेबल के। और जो लास्ट सीरीज है वो कौन सी होती है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम इनकम्प्लीट सीरीज बोलते हैं क्योंकि अभी तक इनकी कंप्लीट है। जो सेवंथ पीरियड है, जब हमने पीरियड पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो इसमें हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट था वो बिल्कुल ही जो शॉर्टेस्ट पीरियड था, इसके अलावा जो सेकंड था वो सेकंड एंड थर्ड वो शॉर्ट था, जो थर्ड एंड फोर्थ था वो लॉन्ग था, एंड सिक्स जो था वो लॉन्गेस्ट था, जो सेवन्थ हमने पढ़ा था वो क्या था, इनकम्प्लीट पीरियड था, और उसमें फोर्थ सीरीज भी फिल होती है। ठीक है बेटा, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अकरेंस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।